इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि मेरे पास बहुत भाई के कमेंट आते हैं। कोई भाई कहता है मेरे से कि सर मेरे को 10 LED जलानी है मल्टी कलर की। कोई भाई मेरे से कहता है सर मेरे को 20 LED जलानी है। कोई कहता है कि मेरे को सर 30 LED जलानी है मल्टी कलर। और कोई कहता है मेरे को सर मेरे को 40 LED जलानी है। और कोई कहता है मेरे को 50 LED जलानी है। तो आज हम ऐसा एक सर्किट बनाएंगे कि जिससे ये सारी LED ग्लो करे। आप अगर चाहें 10 जलाना चाहें 10 भी जलेगी, 20 भी जलेगी, 30, 40, 50, जितनी आप LED जलाना चाहें उतनी आप LED जला सकते हैं। आप इस सर्किट के अंदर कम से कम 80 LED तक जला सकते हैं। और अगर आपको 80 से और भी ज़्यादा जलानी है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सर्किट आप 2 से 3 बना सकते हैं, उससे जो है आपकी 80-80 करके। तो आज मैं प्रैक्टिकल ही करके आपको दिखाऊंगा कि इससे ये सारी LED एक साथ ग्लो करके कि किस तरीके से जलती है। तो उसके लिए देखिए आपको क्या लेना पड़ेगा। देखिए, ये पोलिस्टर है हमारे पास 474J 650 वोल्ट। आप यहाँ पर 450 वोल्ट भी ले सकते हैं, और लेकिन आपको 474 ही पोलिस्टर लेना है। ये देखिए 474 ये पोलिस्टर लेना है आपको। इसमें एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है 820 के। आप चाहे तो 471 के कनेक्ट कर सकते हैं। 1 MΩ की भी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। आपको लेने 4 डायोड 4007। ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर बना रखा है मैंने, ये इस तरीके से आपको इसी तरीके से बनाना है। इसमें देखिए 2 सिल्वर कलर की जो लाइन होती है वो एक साइड में आ जाती है, और एक साइड में दोनों ब्लैक हो जाता है, और 2 साइड में जो है सिल्वर और ब्लैक दोनों मिक्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों पे हमारी AC वोल्टेज आती है, यहाँ से हमारी DC बन जाती है। जो सिल्वर कलर की लाइन है ये दोनों, यहाँ पर हमारा कंडेंसर का जो है पॉजिटिव वाला पॉइंट आता है, और नेगेटिव वाला पॉइंट जो है हमारा ब्लैक वाले कलर पे आता है। इसमें आपको देखिए कंडेंसर लेना है आपको 15 MFD का 250 वोल्ट के अंदर। आप चाहे तो 10 MFD भी ले सकते हैं, 18 MFD भी ले सकते हैं, और 22 MFD भी ले सकते हैं। इसलिए मैंने आपको कमेंट में सारा बता दिया कि इसमें कौन कौन से कंडेंसर लग जाएंगे। हम AC वोल्टेज पे एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 2.2 ओम की 1 वाट के अंदर। ये हमारी जो एक फ्यूज की तरह काम करेगी, जैसे हम एक फ्यूज लगा देते हैं अपने AC वायर के अंदर। तो देखिए आप हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। जो सिल्वर कलर की लाइन है वहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर जो है कंडेंसर का पॉजिटिव वाला पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ, और फिर मैं आपको ये कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ ये किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो देखिए कंडेंसर का, जरा मैं जूम कर देता हूँ जो आपको क्लियर दिखाई दे। तो देखिए कंडेंसर का जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वो सिल्वर कलर की लाइन पे आ गया, नेगेटिव वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ गया, जो दोनों ब्लैक कलर की इनकी वायर निशान है। अब ये बचे हमारे दोनों पॉइंट। इन दोनों पॉइंट पे देखिए एक पॉइंट पे जो हमारा पॉलिस्टर लग जाएगा, तो एक पॉइंट पे मैं पॉलिस्टर को लगा लेता हूँ, और एक पॉइंट पे हमारी 2.2 ओम रेजिस्टेंस लग जाएगी। तो इस तरीके से देखिए हमारा सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर और यहाँ पर हमारी AC वायर जाएगी, और ये हमारा कंडेंसर पूरी देखिए कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, जो सिल्वर कलर की लाइन है वहाँ पर हम ब्लैक रेड वायर लगाएंगे, यहाँ ब्लैक वायर लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए सर्किट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और दोस्तों, मेरे पास बहुत भाई के ऐसे भी कमेंट आते हैं जिसके अंदर वो वीडियो मैंने पहले से ही बनाई हुई चुकी है, लेकिन फिर भी मेरे पास बहुत भाई कमेंट करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ भाई, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो पहले एक बार आप मेरी सारी वीडियो को चेक जरूर कर लें, और उसके बाद ही मेरे पास आप कमेंट करें, क्योंकि उससे जो है, क्योंकि आधी से ज़्यादा वीडियो जो है मैंने बना रखी है। तो देखिए इसके अंदर मैंने जो रेड और ब्लैक वायर ये LED के लिए निकाल दी है, और AC वायर जो है हमारी यहाँ पर और यहाँ LED पे कनेक्ट होगी। और मैं आपको प्रैक्टिकली करके आज सारी LED जला के दिखाऊंगा, जिससे कि आपके सारे कमेंट और सारे डाउट जो हैं क्लियर हो जाएं कि इसके अंदर हम कितनी LED जला सकते हैं। पॉलिस्टर आपको यही रखना है 474 जो मैंने इसके अंदर लगाया है, ये मैंने AC के लिए ये देखिए कनेक्ट कर लिया है ये। तो देखिए दोस्तों, इसमें 10 LED जो है मैंने सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दी है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इन LED को तभी जलाएँ जब आप LED के पूरे कनेक्शन कर दें। आप ये AC वायर के अंदर लगा के तब इस LED के अंदर कनेक्शन ना करें, नहीं तो आपकी सारी LED फूक जाएंगी। आप जब तक सारे वायरिंग को कंप्लीट ना कर लें तब तक आप AC के अंदर इस लीड को ना लगाएं। पूरी वायरिंग कंप्लीट करने के बाद ही लीड को लगाएं,
क्योंकि मैंने दोस्तों इसके अंदर एसी के अंदर ये वायर लगा दी थी, और लगाने के बाद जब मैं वीडियो बना रहा था तो मेरी ये इतनी एलईडी ख़राब हो चुकी है, तो मैं चाहता हूँ आपकी भी एलईडी ख़राब ना हो। तो आपको क्या करना है कि एसी के अंदर वायर नहीं लगानी है, पहले अपनी पूरी वायरिंग को कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट करने के बाद ही एसी के अंदर प्लग करना है। तो ये देखिए हमारी 10 एलईडी बढ़िया तरीके से ग्लो हो रही है, और आपको जो है प्लग लगाने के बाद तब एलईडी पे वायरिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपकी सारी एलईडी ख़राब हो जाएंगी। तो देखिए मैंने इसको निकाल दिया है, निकालने के बाद आप देखिए इसके अंदर, इसके अंदर अब जो है मैं आपकी एलईडी 10 एलईडी को और ऐड करता हूँ। और दोस्तों इसके अंदर मैंने चला के देख लिया है, आप कम से कम इसके अंदर 100 एलईडी लगा के चला सकते हैं। तो ये देखिए हमारी 20 एलईडी कनेक्ट हो गई। जब तक आपकी वायरिंग पूरी कंप्लीट ना हो जाए, सारे वायर ना लग जाए, तब तक आपको एसी के अंदर प्लग नहीं करना है। तो ये देखिए 20 एलईडी हमारी कंप्लीट है, 20 एलईडी सही तरीके से ग्लो कर रही है। अब इसी के अंदर पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, निकालने के बाद अब देखिए मैं यहाँ पर कंडेंसर की चार्जिंग को निकाल देता हूँ इसको शॉर्ट करने से, और ये निकाल दी मैंने। और अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम 10 एलईडी को और जोड़ते हैं। तो इसी तरीके से आप जो हैं इसके अंदर 100 एलईडी भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है आपको मेरे पास कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर हम 10 एलईडी जलाना चाहते हैं, 20 जलाना चाहते हैं, 30 जलाना चाहते हैं। तो ये जो मैंने आपको सर्किट दिखाया है इससे आप 100 एलईडी तक जला सकते हैं, और 100 एलईडी आपकी बढ़िया तरीके से ग्लो होगी। तो ये देखिए अब 30 एलईडी भी जला देता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये हमारी एसी वोल्टेज है, एसी वोल्टेज के अंदर अगर हम 100 एलईडी भी जला देंगे तो हमारा कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा सर्किट बढ़िया तरीके से चलता है। तो ये देखिए पहले मैंने 10 एलईडी जलाई, वो भी सही तरीके से ग्लो कर रही थी, 20 जलाई, 20 भी ग्लो कर रही है, 30 जलाई, अब 30 भी ग्लो कर रही है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो 100 एलईडी भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एसी के अंदर हमारा ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, एसी वायर जो है हमारी एम्पियर के हिसाब से ही वोल्टेज देती रहती है, कि जितने हमारे सर्किट को एम्पियर चाहिए वो उतने उसे मिलते रहते हैं। और आप इस सर्किट से 100 एलईडी तक बड़े आराम से चला सकते हैं, कोई सर्किट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और कम से कम 1 से 2 साल लाइफ टाइम आप इन सर्किट को चला सकते हो, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी एलईडी इसी तरीके से सही ग्लो होगी। तो मैं आपको देखिए वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ इसके अंदर कि 30 एलईडी लगने के बाद हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर मैंने दोस्तों जब इसके अंदर 10 एलईडी लगाई थी तब भी इसके अंदर यही वोल्टेज थी, 20 एलईडी लगाई तब भी इसके अंदर यही वोल्टेज थी, और मैंने इसके अंदर दोस्तों 30 एलईडी लगाई तब भी इसके अंदर यही वोल्टेज आ रही थी। अगर आप इसके अंदर वायर पे वोल्टेज नापेंगे तो आपको ये वोल्टेज इतनी ही मिलेगी। तो दोस्तों मैंने इस सर्किट को पूरा बढ़िया तरीके से ही चेक कर लिया। आप इसके अंदर जितनी मर्जी चाहें उतनी एलईडी लगाएं, 100 लगाएं, 120 लगाएं, 130 लगाएं, आपकी सारी एलईडी ग्लो करेगी। और ये दोस्तों मैंने वीडियो दोबारा इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने एक बार पहले भी वीडियो बना दी थी, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मेरे पास बहुत भाई के कमेंट आते थे, कोई कहता था मेरे से कि सर मेरे को 30 एलईडी जलानी है, कोई कहता था मेरे को 40 जलानी है, कोई कहता था मेरे को 100 एलईडी जलानी है। तो इससे आप अपनी जितनी मर्जी चाहें उतनी एलईडी जलाएं। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल का आइकन को ज़रूर दबा के रखना, क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा।